नमस्कार डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में फिर से एक बार हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आप मनोज सर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन जो 1 दिख रहा है हमें, उसमें कौन सी चीज दिख रही है? पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg+2Mg। तो दोस्तों, हमने एक चीज बताई है कि वी कैन फाइंड ओनली व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड। तो एनी, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, we have to join that kind of electrode with the hydrogen half cell in a standard condition. So, hum bol sakte hai, the standard electrode potential of Mg+2, standard electrode potential of Mg+2Mg can be measured with measured with respect to the standard half hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. हमने उस टाइम बताया था, it is represented by Pt solid H2 gas 1 atm/H+aqueous 1 molar। याद रखना है दोस्तों इसको। अब हम देखेंगे कि अगर हम Mg+2 के सेल के साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो Mg+2 हाफ सेल एक्ट एज एनोड। यस सर, इट इज एक्ट एज एनोड। सो सेल रिप्रेजेंटेड बाय Mg+2 सॉल्ट ब्रिज H+H2Pt 1 atm 1 molar, અને આ છે તમારો 1 molar, ये माइनस और ये प्लस, तो ये अपना सेल हो गया दोस्तों। सो व्हाट हैपन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन फाइंड E0 सेल। अगर हम इसके अकॉर्डिंग E0 सेल फाइंड करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा मित्रों? वी गेट the value of E0 cell is equal to E0 reduction potential of cathode minus E0 reduction potential of anode. But we all knows the value of E0 H+H2 is equal to 0.0 volt. Yes sir, ये क्या हुआ? 0.0 volt है किसकी? तो दोस्तों, ये जो वैल्यू है H+H2 की, वो 0.0 वोल्ट है। तो हमारा E0 Mg+2 हम ऐसे लिख सकते हैं। सो E0 सेल इज इक्वल टू दिस, बट वी वांट E0 Mg+2 इज इक्वल टू माइनस E0 सेल। चलो दोस्तों, तो इससे हम क्या प्रूव कर लिया कि द वैल्यू ऑफ Mg+2 कैन बी फाइंड द नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। जो भी हमें सेल पोटेंशियल ये दोनों से मिलेगा, उसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? अपना Mg+2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आर यू रेडी? सो
ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर टू, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? दोस्तों हम एक जिंक का पॉट बना रहे हैं, यहां पे देख सकते हो आप लोग, यस। और वो जिंक का पॉट है, उसके अंदर हमने क्या भरा है? CuSO4 एक्वायस भरा है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू EMF सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn इज E0 Cu प्लस टू Cu एंड E0 Zn प्लस टू Zn। ये वैल्यू आप लोग याद रखो तो ज्यादा मजा आ जाएगा। 0.34 वोल्ट और ये -0.76 वोल्ट, तो इसके अकॉर्डिंग सो Cu प्लस टू एक्ट एज कैथोड एंड Zn प्लस टू एक्ट एज एनोड। Therefore, Zn oxidized in presence of Cu plus 2. So, we can write reaction like this: Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu. तो जीरो में से प्लस टू बना। तो दोस्तों ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि Zn बेचारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अपना जो ये क्या बोलते हैं इसको पॉट लिया है, वो क्या हुआ, कोरोडेड हो रहा है, खराब हो जाता है, बिकॉज इट डिस्प्लेस कॉपर, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर। ओके, सो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, सो वी कांट स्टोर CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। दोस्तों समझ में आया, ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। तो ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, तो आपका जो EMF सीरीज में जो ऊपर होता है उसका सॉल्यूशन अगर नीचे वाले के मेटल के अंदर हम रखेंगे तो वो रिएक्शन होता है, इसलिए नहीं डालना चाहिए। ऐसे भी आता है कि सिल्वर की रिंग अगर HCl में गिर जाती है तो क्या होगा, तो वो आप लोग सोचना है, सोच लो, एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लेना। कंसल्ट द स्टेबल स्टैंडर्ड सॉरी टेबल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट द थ्री सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, FeRoUS, फेरस मींस Fe प्लस टू, फेरिक मींस Fe प्लस थ्री। फेरस अगर ऑक्सीडाइज होता है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू Fe प्लस थ्री। तो यहां पे ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे कि जिसकी वजह से ये Fe प्लस टू में से Fe प्लस थ्री बनेगा? अकॉर्डिंग टू EMF सीरीज Fe प्लस थ्री प्लस थ्री वन इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe प्लस टू मीन्स E0 Fe प्लस थ्री टू Fe प्लस टू इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। तो दोस्तों इतना वोल्ट अगर हमें मिल रहा है 0.77 वोल्ट, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन गेट
the we can get the value of Fe plus 2 to Fe plus 3. We can convert Fe plus 3 to Fe plus 2 easily. Are you ready? हमारी EMF series में the half cell which are above Fe plus 3, Fe plus 2 are can oxidized Fe plus 2 ion to Fe plus 3 ion. Are you ready दोस्तों? तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा होगा for under suitable condition. What happened? For under suitable condition, F2, Cl2 and O2 are good oxidizing agent for Fe plus 2. Ready दोस्तों? ऐसे theory part में सिर्फ इतना ही मैंने बताया कि भाई कैसे किसको क्यों बोला जाता है. तो क्लियर हो गया होगा. एक लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो के लिए. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10. दोस्तों पीएच 10 है, हमें हाइड्रोजन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है. तो ये तो सीधी सी बात है सर, E0H plus H2 is equal to 0.0 वोल्ट. इसमें फाइंड क्या करना होता है, आपको ऐसा लग सकता है. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं pH 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस log 10 H plus is equal to 10, because pH is equal to माइनस log 10 H plus. सो दोस्तों log 10H plus is equal to minus 10 and concentration of H plus is equal to ये जो base है 10 उसके power में ये पूरा minus 10 चला जाएगा और इसीलिए the value or the concentration of H plus for this solution is 10 raised to minus 10. So दोस्तों for standard condition we require what temperature 298 Kelvin, pressure 1 atm or 1 bar and concentration 1 molar. तो ये 1 molar नहीं है which not 1 molar, so this cell is non-standard cell. So according to Nernst equation, भाई ये पता चल रहा है आपको कि जब भी हम करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड होगा तो ये कंडीशन मैच होगी, तभी कोई भी कंडीशन में वो स्टैंडर्ड हो पाएगा. अब नर्नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल इज E H plus 1 half H2 E 0 H plus 1 half H2 or
माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग व्हाट आई डोंट नो. सो वी कैन पुट हियर रिडक्शन रिएक्शन ऑफ H प्लस में से जो H2 बनता है उसका रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया हमने. सो व्हाट हैपन लॉग H2 रेस टू 1/2 एंड H प्लस कंसंट्रेशन. सो दोस्तों यू ऑल आर नोज दैट E0 H प्लस H2 इज इक्वल टू 0. दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. 0.0 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 1 क्योंकि n का वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है. लॉग ये भी 1 हो गया 10^-10. तो दोस्तों अब आप लॉग देख के टेंशन में भी आ सकते हो. इनटू लॉग 10^-10 ऐसा लिख सकते हैं. इसको न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले गए तो माइनस का प्लस हो गया. माइनस 0.059 × 10 लॉग 10 बट वैल्यू ऑफ लॉग 10 इज 1. सो माइनस 0.59 वोल्ट इट इज द वैल्यू ऑफ ई E value of E what E H plus H2 for a non-standard cell. तो ये बहुत important है दोस्तों. हमने कुछ भी नया नहीं किया है इसमें, तो ये आप अलग से ध्यान में रखोगे. Clear है dear student? यहां तक रखते हैं, बाकी का topic next session में लेंगे. Thank you.